मैं समझता है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल उही धीरज तो उस बंदे जिन्ना निम्रता से भावे को माड़ा बोल गया उन्हें छोड़ो जी अगो कह दें छोड़ो जी मतलब छोड़ दो गल उन्होंने जी बहुत वड्डा कुछ तो गरीबां दे मसीहे किसानां दा आगू तो पंजाब दे विकास की गल जदों कितें छिड़िया करूगी तो उस टाइम ते सरदार प्रकाश सिंह बादल विरासत खालसा बनाया उन्होंने और वड्डा घल्लूघारा छोटा घल्लूघारा चप्पड़ जिहड़ी दा इतिहास वार मेमोरियल और जिहड़ी उह स्ट्रीट बनाई एक इतिहासक स्ट्रीट बनी है उहदे नाल नाल मैं समझदा जिहड़ी एक अकाल तख्त साहिब दे नेड़े एक यादगार बनी ना संत बाबा जरनैल सिंह जी दी ते शहीद भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन उह मेरे तों वड्डे सन उह यादगार बनाउण दे विच वी सरदार प्रकाश सिंह बादल दा बहुत वड्डा हाथ सी। सरदार प्रकाश सिंह बादल तां ना उहने लोकां दे नाल इक संगत दर्शन दा प्रोग्राम बना लिया उन्होंने चंडीगढ़ नहीं इन्ना चंगा लगता जिन्हें इन्होंने लोगों एक सुरूर आता है ना बह के इतना बह जाना तो हर एक की मुश्किल सुननी डीसी साहब को कहना आ फड़ो जी आ कर दौ जी आ हल करो जी साढ़े नाल भाई मनजीत सिंह ने भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा पहला सवाल बादल साहब नूं किवें याद करदे हो? देखो बादल साहब हुणां दे नाल मेरे पिता संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडराले एमरजेंसी की लड़ाई सी सारा श्रोमणी अकाली दल चुक के अंदर सिटता है पंजाब की आवाज बंद हो गई हिंदुस्तान जेल खाला इंदिरा गांधी ने बनाता मैं उदो नामी च पढ़ता सी और श्रोमणी अकाली दल संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरालिया आख्या कि साढ़े घर आके मुलाकात करो बादल साहब मिले टौड़ा साहब मिले वक् वक् जेलों च मुलाकात कीतियाँ वो कह लगे जी मोर्चा फेल हो चलिया तो ये हम संतान ने मोढ़िया से आ गई गल तो उस टाइम तो संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरां वालिया ने 36 जलूस पंजाब कढ़े गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के शहीदी के संबंध में जो पांच नहीं बंदे कट्ठे हो सकते उन्होंने हजार बंदों कट्ठे करके तो एमरजेंसी के खिलाफ एक ऐसी आवाज बुलंद की घर घर गल गई एमरजेंसी के खिलाफ भी श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने उन्हें अंदर करता और हिंदुस्तान जेलखाना बनाता संतान ने कहा मैं एमरजेंसी के खिलाफ भावें मैं फाहे ला दो भावें मैं मार दो भावें कुछ कर लो मैं एमरजेंसी नहीं रहन देनी। निरंजन सिंह डीसी गुरदासपुर कवे मैं इतने नगर कीर्तन नहीं निकल देना संतान को उन्होंने SDM भेजा संतान ने भी प्रशादा छकला सिंगा छक लिया कहिंदा जी इस रूट के उत्ते नहीं लंघना संत कहिंदा मैं तुहाडा सुनिया आ गया ना हुण मेरा सुनिया डीसी नूं जाके दे दी मैं शरला मारूं डीसी नूं कोई शरला लंघ के विखावे उधर दी जाऊगा जिहड़ा नगर कीर्तन है ये गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी है उहदे उत्ते और गए उन्होंने उस पासे की नगर कीर्तन गया सगों दी गाह कोठी दे के लै के जाके कहिंदे डीसी दी घीसी हो गई आ एमरजेंसी 37 जलूस दिल्ली लै के गए जिथे इंदिरा गांधी आई सी और इंदिरा गांधी नूं ये गल कही संतां ने टाइम कट के पिछे करता पहला वो बोले फिर होर बोले फिर उठ के चल चले उन्हें बीबी जी बह जाओ गल साडी भी सुन के जाया उन्हें कहा मैं एमरजेंसी के खिलाफ जे जो तुसी एमरजेंसी की गल करते हो मैं खिलाफ हाँ मैं नहीं हिंदुस्तान का अपना मूँह बंद होन देना मैं जेल खाला नहीं बन देना और उत्थे ये बोलिया गया सी उहदे उत्ते स्टेज ते कि 300 साल पहला दिल्ली का तख्त जिहड़ा वह गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीद करता तो अज उ दिल्ली का तख्त चल के आया संत कहिंदे कोई सहार नहीं किया मैं इतिहास पढ़िया कृपा राम की गवाही जिहड़ा जथा आया सी ना आनंदपुर साहब तो उन्हें मूँह झुका लिया ही वह संतां नूं इतिहास पता कहिंदे इंदिरा गांधी दे वड्डे वडेरे सी जिन्हां ने मूँह झुका लिया तो वह गुरु तेग बहादुर साहब ने जाके शहीदी दित्ती ते ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ
मुख्य मंत्री जिहड़ा सी उह दमदमी टकसाल दे 13वें मुखी मेरे सत्कारयोग पिता संत करतार सिंह जी ने पढ़ाया और वह मैनूं याद आ फिर हर साल साढ़े पिंड जदों उहनां दा मेला लगता हर साल साढ़े पिंड जाते इन्हां ने उत्थे उहनां दे नां ते फोकल पॉइंट बनाया उहनां दे नां ते मिशनरी कॉलेज बनाया उहनां दे नां ते कम्यूनिटी हाल बनाया और जो क्या इलाके ने पिंड ने वो सारा कुछ बनाते रहे और संत भी कहते रहे भी पंथ का भावे कुत्ता भी खलो जो उन्हें वोट पानी है इन्हें गज के कोई कहता नहीं गा अज भी नहीं जो कहता कोई सो ये पुरातन गल् मैं सारिया जड़िया ने वो याद ने और सरदार प्रकाश सिंह बादल जिते गरीबा के मसीहे किसान का आगू तो पंजाब के विकास की गल जो कि छिड़िया करूगी उस टाइम पर सरदार प्रकाश सिंह बुजुर्ग अपन सलाह देंदे होंगे ने अपन मत देंदे होंगे ने बादल साहब नाल गल्लां होंदियां होणगियां मिलदे होवोंगे तो की कहते होंगे सी तुहानू वो कहते हैं भी वेखो पार्टी कई रहा ना पार्टी च रहिंदा कहिंदे धक्का भी हो जाता है तो पार्टी ने कम करी जाना एक निम्रता का पला नहीं गा छड़ना जिहड़े मेरे पिता जी भी ये गल कहिंदे हन संत करतार सिंह जिहड़ी निम्रता ना सहज आ वह नहीं छड़ना और बादल साहब दो गुण है एक तो भावें उन्होंने कोई माड़ा भी कहीं बोल गया उन्होंने करे मूँह के उत्ते लियानी त्योड़ी लियानी एक दिखाया ज गया मीडिया के प्रचारिया भी गया लोगों के भी प्रचार है भी पाड़ा पिया संतां दे विच ते प्रकाश सिंह बादल होना दे विच की यह सच सीगा या असलीयत की सी इस चीज जिहड़ा पाड़ा पिया वो संत जरनैल सिंह खालसा पिंडराले के टाइम पर बयान के बाद जदों मोर्चा चलिया उस टाइम पर कुछ गलत फहमिया सीगियां उधर उधर ही और वो गलत फहमिया करके जिहड़ा सी कोई थोड़ा जिहा पाड़ा पिया सी जिहड़ा निरंकारी केस होया सी उहदे करके वो पाड़ा पिया सी ते वो संत करतार सिंह खालसा पिंडराले दे नाल उहनां दी गल जिहड़ी आ उह पाड़ा कोई ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ और जी स्ट्रीट बनाई एक इतिहासिक स्ट्रीट बनी है उदे नाल नाल मैं समझदा जी एक अकाल तख्त साहब के नेड़े एक यादगार बनी ना संत बाबा जरनैल सिंह जी की शहीद भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन वो मेरे तो व्डे सन वो यादगार बनाने सरदार प्रकाश सिंह बादल का बहुत व्डा हाथ से नहीं तो शायद वो राज भाग ना हों तो सरकार बड़िया टाल मटोल कर दया और उहदे सरदार सुखबीर सिंह बादल का भी बड़ा वड्डा योगदान है और अकाल तख्त साहब के लागे उन्हां महान शहीदां दी यादगार बननी मैं समझदा बहुत वड्डा स्थान संत जरनैल सिंह जी नूं ते भाई साहब भाई अमरीक सिंह जनरल छबेक सिंह बाबा थारा सिंह नूं मिलिया और जिन्ना चिर दुनिया रहूगी उन्ना चिर उन्हां दा नां जिहड़ा है वह ध्रुव तारे की तरह चमकदा एक देखण नूं मिलदा जिवें मतलब सियासी लीडर हो गया जदों वोटां लैणियां हुंदियां घरां च पहुंच जांदे ने जदों जित जांदे ने फिर चंडीगढ़ तो वापस नहीं आउंदे कदे फेर ही नहीं पाउंदे प्रकाश सिंह बादल चोण हारे सी हार दी सार कहिंदे प्रकाश सिंह बादल उन्हां ने कहा भी चलो लंबी हलके च चलीए धन्नवाद करिए अपने लोकां ने जित्तां हारां तां बणियां होईयां ने कि लगदा भी इहो जी शख्सियत जिहड़ा बंदा इन्ना हलीमी नाल चलदा कदे पंजाब नूं मिल जूगा जां अकाली दल दे विच आ जू देखो कुदरत दे अगे तो कोई भी किसी चीज़ का भी घाटा नहीं है ठीक है ना बाकी राज भाग बन तो बाद कल कांग्रेसी आ जोड़े पिंड नहीं जाते जहाँ आम वाले मैं वेना यह नहीं पिंड जाके किसी की गल सुनते सरदार प्रकाश सिंह बादल तो ना उन्हें एक लोगों के नाल एक संगत दर्शन का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने चंडीगढ़ नहीं इन्ना चंगा लगता जिन्हें इन्होंने लोगों च एक सुरूर आता है ना बह के इस तरह बह जाना तो हर एक की मुश्किल सुननी डीसी साहब को कहना आ फड़ो जी आ कर दौ जी आ हल करो जी ये उन्होंने बड़ा चंगा लगता हूँ सी नहीं तो कई बंदे बन जाते हैं ना जिस तरह कैप्टन बनया ही वो उतों ही नहीं बाहर निकलिया पांच साल उतों ही आपके बयान दे छे तो लोगों की गल ही नहीं सुनी लेकिन सरदार प्रकाश सिंह बादल की एक जी खूबी सी वो हर पिंड हर सत्थ हर गुरद्वारे संभाल मंदिर जाते
और उन्हें हर स्थान की सेवा जी की और उत्थे गए उन्हें सारी कम्यूनिटी नाल लैके तो जिहड़ी सांझीवालता का उपदेश गुरु ने दिता है वह उपदेश के चलते रहे ये उन्होंने हिस्से च आया होर किसी नहीं आया। आखिरी सवाल है मेरा सरदार प्रकाश सिंह बादल में एक शब्द के जो डिफाइन करना हो कहूँ। मैं समझता हाँ कि सरदार प्रकाश सिंह बादल का उही धीरज तो उस बंदे जिन्ना निम्रता से वो सानू अपना की लड़ हैगी जे अं राजनीति रहना जो लोगों की सेवा करनी है तो ये सानू जो गुण है ना दो भावें को माड़ा बोल गया उन्हें छड्डो जी अगो कह दें छड्डो जी मतलब छड़ दो कल उन्होंने जी बहुत वाला गुण जिहड़ा कई बार साढ़े लोगों च नहीं है। मैं आम मिलदा लोगों छोटी जी गल तो भड़क पेंदे आ नौजवान पीढ़ी तो अजकल कोई राह नहीं दिंदा तो विंगे हो जाते हैं आ गड्डी तुरे तुरे जाते सो नौजवान पीढ़ी भी बड़ा सहज तंबल तो जिहड़ा ना विचार नाल चलन की लोड़ हैगी है इस वे काले पै गए नौजवान काले जाने पेंदे आ एक व्हाट्सएप जी ने पाते एक जी फेसबुक के शेयर जी भी बन गए अवें सानू प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहिए गुरसिख बनना चाहिए अमृतधारी होना चाहिए गुरु ना जुड़ना चाहिए बाकी गल्ल सारिया जिंदगी दी बाद दे विच पहला सानू अपना धर्म अपना अकीदा ते अपना पंजाब अपना सभ्याचार अपनी बोली कई एक होर ही मैं गल कहनी चाह कई इन्होंने साडे सरदार वीर जिहड़े बीबियां घर च हिंदी बोली जांदियां ने मैं कोई हिंदी नू एरी नफरत करना पर वो बोलन जिथे उन्होंने हैगी है भाषा हर पंजाबी नू मैं कहना चाहुंदा पंजाबी बोलन पंजाबी सीखण और पंजाबा पंजाबी पहरावा जिहड़ा उन्हूं पहनण ये हर पंजाबी नू मैं इत्थे बेनती करनी चाहुंदा। तां इह सी भाई मनजीत सिंह जिहड़े कहिंदे सरदार प्रकाश सिंह बादल वर्गे सिर्फ उही सी। कैमरा परसन वतन दे नाल मैं राजवीर सिंह प्रो पंजाब टीवी बादल।